नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे चाइना के बारे में, चाइना ऐप के बारे में। जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है कि जितने भी चाइनीज़ एप्लीकेशन है, 59 चाइनीज़ एप्लीकेशन है जो इंडिया के मार्केट में चल रही हैं, आपके मोबाइल में चल रही हैं, आपके एंड्रॉयड मोबाइल में चल रही हैं और काफ़ी लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन से हम सब लोग बिल्कुल सहमत हैं और जितने भी चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन है, 59 चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन है, वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए ख़तरा है और आपका जो पर्सनल डाटा है उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी 59 चाइनीज़ एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इनमें से कोई है तो आप उसको इमिडिएटली रिमूव कीजिए। रिमूव करने से पहले आप अपना जो डाटा है वो सेव करके रखिए, जैसे मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आपके जो भी हैं वीडियोस वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह। कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसे ही आप चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन को रिमूव करें वो सारा डाटा आपका चला जाए। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन रिमूव करने से पहले आप अपने मोबाइल के डाटा को सेव कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर, पिक्चर्स, वीडियोज़, आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, फ़ाइल जो भी है, सबसे पहले उसको आप सेव कीजिए एक पेन ड्राइव में। लैपटॉप के अंदर भी सेव नहीं करना है, पेन ड्राइव के अंदर आपको डाटा सेव करना है। उसके बाद आप चाइनीज़ ऐप को रिमूव करना शुरू कीजिए, अनइंस्टॉल करना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि चाइना की जितनी भी एप्लीकेशन है वो स्पाइंग का काम करती है, जासूसी का काम करती है, जो कि देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और आपका जो पर्सनल डाटा है उसको भी, आपका पर्सनल डाटा, आपके बैंक अकाउंट्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स, जो भी कुछ आपका पर्सनल डाटा आपके मोबाइल के अंदर है वो डेफिनेटली सिक्योर नहीं है। वैसे तो सोशल मीडिया और इंटरनेट के ऊपर जो भी चीज़ें आ गई वो सिक्योर नहीं है, सेफ़ नहीं है कुछ भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर आप पर्सनल चीज़ें डालने से बचिए। जहाँ भी आप किसी भी टाइप का आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, अपने पर्सनल चीज़ें मत डालिए उस पर। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि इंडिया के अंदर काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, जैसे टॉप में चल रही है टिकटॉक। टिकटॉक के इंडिया में 20 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं और जो इसका रेवेन्यू है ऑल ओवर वर्ल्ड से, जो पैसा कमा रहा है चाइना टिकटॉक के जरिए, इंडिया से ये 25-30% कमाता है। तो आप सोच सकते हो टिकटॉक में इंडिया में 20 करोड़ से 30 करोड़, 40 करोड़ के आसपास इसके यूज़र्स हैं। उसके बाद लाइकी ऐप है, वी चैट है, यूसी ब्राउज़र्स हैं, शेयरइट हैं, ये काफ़ी जो तमाम पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं इनको आपको अब यूज़ नहीं करना है, इनसे बचना है। कैम स्कैनर्स हैं जिसके यूज़र्स 20 करोड़ से ऊपर है, शेयरइट है जिसके 40 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं इंडिया के अंदर, वीवो है, वी चैट है, पैरेलल स्पेस है। तो काफ़ी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपकी डाटा के लिए बहुत ही खतरनाक है। और चाइना चार प्रकार के जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो लॉन्च कर रखी है उन्होंने, वीडियो चैटिंग एप्लीकेशन, ब्राउज़र एप्लीकेशन, सिक्योरिटी से रिलेटेड एप्लीकेशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो वीडियो चैटिंग्स हो गई जैसे टिकटॉक हो गई, ब्राउज़र्स में यूसी ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र आपको यूज़ नहीं करना है, इसमें इलीगल न्यूज़ आती है, बिल्कुल गलत सलत न्यूज़ आती हैं और इसका ब्राउज़र को आप अनइंस्टॉल करिए। जितने भी सिक्योरिटी की ऐप्स होती हैं, वायरस की ऐप होती हैं, वो फ्री में आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं, वो भी चाइना से चल रही है मैक्सिमम, तो उनको भी आप रिमूव कीजिए। और सोशल मीडिया की ऐप्स, जितने भी स्कैनर्स हो गए, कैम स्कैनर्स, आप कोई भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट स्कैन करके देते हो कैम स्कैनर से, वो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाता है। तो जितने भी मैंने, और फिर कुछ गेम्स हैं जैसे पबजी, पबजी का कनेक्शन एक टेंसेंट नाम की कंपनी से है जो कि चाइना की कंपनी से उसका लिंक है। टेंसेंट हो गया, बाइडू हो गया, वेबो हो गया, वीचैट हो गया, ये सारी की सारी जो एप्लीकेशंस हैं उनका लिंक है। और अभी हाल फिलहाल में एप्पल के आईफोन के अंदर टिकटॉक ने सिक्योरिटी ब्रीच की है, जो कि लेटेस्ट 2-3 दिन पहले आप न्यूज़ सुन रहे होगे कि एप्पल के आईफोन को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है, जो कि दुनिया के अंदर सबसे सिक्योर फ़ोन माना जाता है एप्पल का आईफोन, उसके अंदर टिकटॉक एप्लीकेशन ने स्पाइंग का काम किया है। तो वो जो डाटा ब्रिज है वो पकड़ा गया है, तो एप्पल ने ये डिक्लेयर किया है। तो जितने भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, 2018 से पहले की बात करें तो टॉप 100 में चाइना की 18 एप्लीकेशन थी, और 2018 में बात करें तो टॉप 100 में चाइना की 44 एप्लीकेशन शामिल होगी। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा है। और जियोमी का जो डाटा ब्रीच होता है वो इंडिया के अंदर जैसे मेड इन इंडिया के प्रोजेक्ट से चल रहा है, कई जगह इसको दे रखा है, तो जियोमी का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सेफ़ नहीं है। और वन प्लस की बात करें तो उसका भी खुद का सिस्टम है जो कि वो भी सेफ़ नहीं है। ठीक है, और जिन तो यूज़ कर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम चाइना से बनी हुई किसी भी कंपनी का आप यूज़ ना करें। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है टाइम टू टाइम। और जो भी हमने, हमारे पीएम ने जो भी डिजिटल एयर स्ट्राइक किए चाइना के ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी सरहद के ऊपर जवान
हमारे जो सैनिक है भाई हैं वो सारे जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने घर बैठ के अपनी उंगलियों से एटलीस्ट आप चाइनीज़ ऐप तो रिमूव कर सकते हैं, जो कि सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, तो आप अपने घर बैठ करके जो भी चाइनीज़ ऐप यूज़ कर रहे हो उसको अनइंस्टॉल कीजिए, और जो भी डाटा है आपका सेव रहेगा। ये उस प्रकार है जिस प्रकार से आप किराएदार हो, आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आप एप्लीकेशंस को माने किराएदार, और एप्लीकेशंस का जो मालिक है वो चाइना में बैठा है। तो आप एक घर के अंदर हैं और आप एक किराएदार रह रहे हैं, और आपका जो घर है उसका मालिक तो वो मालिक रहेगा, तो आप एक किराएदार की तरह काम कर रहे हो। यानी कि आपके मोबाइल में जो भी चाइनीज एप्लीकेशन है वो एज ए किराएदार है, और आपके मकान का मालिक तो जो चाहे वो करेगा, क्योंकि आपका जो डाटा है उसका जो सर्वर है, जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसका जो डाटा है उसका जो सर्वर है वो चाइना के अंदर है, और वो जैसे चाहे उसको यूज़ करे, कहीं भी यूज़ कर सकता है इलीगली। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। आप अपने मकान के खुद मालिक बनिए, ना कि किराएदार। तो आप जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको यूज़ मत कीजिए, और जो भी डाटा एक्सेस होता है इंटरनेशनली वीपीएन के थ्रू, जिसके मल्टीपल कंट्रीज़ के थ्रू डाटा जाता है, फिर डाटा की ओनरशिप अलग अलग कंट्रीज से लेते हैं, जितने भी चाइनीज एप्लीकेशंस हैं, होस्टिंग्स हैं, चाइना का जो भी डाटा सेंटर है वो इसको स्टोर करता है, इनके पास सेपरेटली सर्वर होते हैं। इंडिया के अंदर अभी सेपरेटली अलग अलग जो मोबाइल एप्लीकेशन है उन्होंने सर्वर नहीं लगाए हैं, तो जितने भी चाइनीज एप्लीकेशन है उसका जो सर्वर है वो चाइना के अंदर है, ये आपको समझना होगा। तो वो आपके डाटा के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी एप्लीकेशन उनको रिमूव कीजिए, और मेरे मोबाइल में भी काफ़ी एप्लीकेशंस तो नहीं थी, बस 4 या 5 एप्लीकेशंस थी, बाकी नॉर्मली जो भी यूट्यूब से रिलेटेड, और वो भी मैंने रिमूव कर दिए, और एक ही लास्ट एप्लीकेशन बची हुई डी रिकॉर्डर, इसको भी मैं आज रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जितने भी गाइडलाइन उसको आप फॉलो कीजिए, और जो 59 एप्लीकेशंस हैं वो हम इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के दोस्तों लास्ट तक देखिए, और इस वीडियो में मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ 59 जो चाइनीज ऐप हैं वो कौन कौन सी हैं, अगर आपके मोबाइल में है तो उसको आप रिमूव कीजिए। और नेक्स्ट जो वीडियो हमारा रहेगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशंस किस प्रकार से आपका डाटा ब्रीच करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 59 जो चाइनीज ऐप आपको रिमूव करनी है उसके लिस्ट इस प्रकार। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 29 जून को 59 जो चाइनीज एप्लीकेशन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसके ऊपर बैन लगाया है दोस्तों। तो 59 जो चाइनीज एप्लीकेशन है अगर आप यूज़ कर रहे हैं अभी तक, तो कृपया करके उनको डिलीट कीजिए, क्योंकि घर बैठ करके आप, मैं और सभी लोग जो भी चाइनीज़ ऐप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको पता नहीं है, आपके मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा है, तो उस ऐप को आप डिलीट कीजिए। और जो, जैसा कि टिकटॉक ऐप के बारे में हम आपको बताते हैं कि इसके 20 करोड़ यूज़र्स हैं इंडिया के अंदर, और इंटरनेशनली जितना भी पैसा चाइना को जा रहा है इस टिकटॉक एप्लीकेशन के ज़रिए, वो 10% से 20% के बीच जा रहा है इंटरनेशनली। तो आप सोच सकते हो कि एक एप्लीकेशन को डिलीट करने से आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। ठीक है, तो जितने भी एप्लीकेशन हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो कदम उठाया है वो इसलिए उठाया है क्योंकि जो भी एप्लीकेशंस आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो, ठीक है, उसमें कुछ दूसरे कंट्रीज़ की एप्लीकेशन रहती है, उसमें कुछ स्पाइंग होती है जिसको बोलते हैं जासूसी। आपके फ़ोन का जो कैमरा है वो ऑन रहता है हमेशा, आपको पता है, नेटवर्क जब रहता है तब भी ऑन रहता है, नेटवर्क नहीं रहता तब भी ऑन रहता है। तो आपको नहीं पता कि आपके कैमरे से आपको कौन देख रहा है दूसरे कंट्री में बैठ करके, आपकी सारी एक्टिविटी देखी जा रही है। ठीक है, तो जितने भी मोबाइल के कैमरेज हैं, फ्रंट का कैमरा हो या बैक का कैमरा हो, आप उसके ऊपर एक वाइट कलर का टेप लगा दीजिए, जब रिक्वायर्ड हो फोटो खींचिए और उसको अपने लैपटॉप वगैरह में सेव कीजिए। ठीक है, तो जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको जो भी आप एक्सेस देते हैं अपने मोबाइल के अंदर, कॉन्टैक्ट्स का, नेटवर्क का, आईडी का, वाईफाई का, जो भी परमिशंस देते हैं, कोई भी एप्लीकेशंस आप मोबाइल में इंस्टॉल करते वक्त उसके ऊपर गौर कीजिए, कुछ परमिशन मांगती है वो मोबाइल एप्लीकेशन, तो उनको आप परमिशन मत दीजिए किसी भी तरीके की। ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करने से पहले उसके बारे में सर्च कीजिए कि यह किस कंट्री की एप्लीकेशंस है और इसके क्या व्यूअर्स है, कहीं ये स्पाइंग तो नहीं कर रही, कहीं ये जासूसी तो नहीं कर रही। और जितनी भी चाइनीज एप्लीकेशन है, 59 एप्लीकेशंस हैं, वो सारी की सारी जासूसी में इन्वॉल्व पाई गई है। यहाँ तक कि एप्पल के आईफोन में टिकटॉक की जो एप्लीकेशन है वो स्पाइंग कर रही थी। ओके, अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ है, लाखों फ़ोनों में, ठीक है, एप्पल के जितने भी आईफोन है वहाँ पे एक बग मिला है, उस बग के अंदर ही सारी चीज़ें दिखाई गई है कि टिकटॉक की जो चाइनीज एप्लीकेशन है वो एप्पल के आईफोन में भी सेंध लगाई हुई है और स्पाइंग कर रही है।
तो वहाँ से भी वो बहुत जल्दी वहाँ से बैन करने वाले हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाए हैं दोस्तों, जितनी सराहना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमारे पीएम की जाए बहुत ही कम है, क्योंकि वो सब लोग आपकी हमारी और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। तो टिकटॉक की एप्लीकेशंस अगर आप अभी तक इंस्टॉल आपने अपने मोबाइल में कर रखी है तो उसको रिमूव कीजिए। सेकंड है शेयर इट की जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे हम एक दूसरे को अपना जो डाटा है वो शेयर करते हैं, पिक्चर्स वीडियोस वगैरह एप्लीकेशंस वगैरह एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में सेंड करते हैं। जो भी मटेरियल आप सेंड करते हो वो डेफिनेटली मॉनिटर होता है आपका, ठीक है। थर्ड है KWAI, ये भी फ़ौरन की है। यूसी ब्राउज़र के बारे में सुना है आपने, ये फेक न्यूज़ फैलाता है दोस्तों, फेक न्यूज़ फैलाता है इंडिया की बाहर के कंट्रीज़ में और इंडिया की न्यूज़ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये फेक न्यूज़ फैलाता है, इस ब्राउज़र को भी आप रिमूव कीजिए। बायडू मैप भी फेक न्यूज़ फैलाने में बहुत माहिर है। शेन क्लैश ऑफ किंग्स ये एक गेम्स है, और जो भी गेम्स आपके बच्चे आपके मोबाइल से खेलते हैं तो उन गेम्स में भी स्पाइंग होती है दोस्तों, तो इसको भी आप रिमूव कीजिए। DU बैटरी सेवर का कुछ भी काम नहीं करता है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो अगर आपके फ़ोन में 10% बैटरी बची है, 5% बैटरी बची है, तो उसकी वार्निंग टाइप आती है ना, तो वो तो आप वैसे भी देख सकते हो फ़ोन के अंदर कि आपका फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली है, उसको रिचार्ज कीजिए पावर बैंक के साथ, ओके। तो DU बैटरी सेवर को भी आप रिमूव कीजिए। हेलो की ऐप, हेलो लाइकी, ये जो दोनों एप्लीकेशन है ये लुक लाइक टिकटॉक है, ओके, तो इनको भी रिमूव कीजिए आप। यू कैम मेकअप भी ये मेकअप से रिलेटेड है, तो इसको भी आप रिमूव कीजिए। मी कम्युनिटी, CM ब्राउज़र, वायरस क्लीनर कुछ भी क्लीन नहीं करता वायरस को आपके फ़ोन में, बल्कि वायरस तो उसके अंदर ऑलरेडी होता है, ठीक है। APUS ब्राउज़र, रोमवे, क्लब फैक्ट्री, न्यूज़ डॉग के अंदर फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, टोटल फेक न्यूज़ जिनका कोई आधार नहीं होता। ब्यूटी टिप्स, वीचैट भी रिमूव कीजिए आप मैक्सिमम लोग, ठीक है। यूसी न्यूज़, क्यूक्यू माल, वेबो, एग्जेंडर, क्यूक्यू म्यूजिक, क्यूक्यू न्यूज़ फीड, बिगो लाइव जिसको काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको भी रिमूव कीजिए। सेल्फी सिटी से भी कोई मतलब नहीं है, आपकी जो फ़ोटो है वो कहाँ कहाँ तक जाती है वो आपको भी पता नहीं है, वो सर्वर में सेव होती है। जो भी मोबाइल एप्लीकेशन नहीं आती है उसका सर्वर इंडिया में नहीं है, बाहर के कंट्रीज़ में है, चाइना में मैक्सिमम है, और वहाँ पे जो भी फ़ोटो आप अपने फ़ोन से खींचते हैं वो वहाँ के सर्वर में एक इमेज के रूप में सेव हो जाती है, और उसको रिकवर करना बहुत आसान होता है। तो आप सोचिए जो भी फ़ोन पे आप एक्टिविटी कर रहे हैं ना, उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है और हो भी रहा है, ओके। सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस एक ऐसी एप्लीकेशन है, मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे WhatsApp आप अपने फ़ोन में चला रहे हैं और पैरेलल एप्लीकेशन में भी एक दूसरा WhatsApp आप इंस्टॉल कर सकते हैं दूसरे नंबर के साथ, तो वो चलता है। तो पैरेलल स्पेस से भी आपकी कहीं ना कहीं जासूसी हो रही है। मी वीडियो कॉल, वीक सिंक्रोनाइज, ES फाइल एक्सप्लोरर, वीवो, रेडमी, जितने भी मोबाइल फ़ोन है इसमें काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, तो उनको आप देखिए अपने फ़ोन के अंदर, उनको रिमूव कीजिए। विगो वीडियो, न्यूज़ वीडियो स्टेटस, DU रिकॉर्डर भी बहुत बड़ा रोल कर रही है स्पाइंग के मामले में, इसको भी आप रिमूव कीजिए। वोल्ट हाइड, कैचे क्लीनर, DU ऐप स्टूडियो, DU क्लीनर, DU ब्राउज़र, DU के नाम से जो भी चीज़ें हैं मैक्सिमम चाइना से हैं दोस्तों, ठीक है। हैगो प्ले विद न्यू फ्रेंड्स, कैम स्कैनर से आप कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो वो भी जासूसी होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट स्कैन होकर के कहाँ जाता है, किस सर्वर में रहता है ये आपको मेरे को नहीं पता, ओके। क्लीन मास्टर, चीता मोबाइल, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, क्यू प्लेयर, वी मीट को भी आप रिमूव कीजिए। स्वीट सेल्फी, कोई स्वीट सेल्फी नहीं होती, बैड सेल्फी है ये, ठीक है, इसमें भी जासूसी होती है, आपकी फ़ोटो कहाँ कहाँ तक जाती है आपको खुद को नहीं पता। बायडू ट्रांसलेट, उसको भी रिमूव कीजिए आप, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। वी मीट, उसको भी रिमूव कीजिए। क्यूक्यू इंटरनेशनल, क्यूक्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यूक्यू लांसर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस वीडियो, और 58 पे मोबाइल लीजेंड्स, और 59 पे DU प्राइवेसी। तो जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन, 59 एप्लीकेशन की जो लिस्ट है आपको दिखाई गई दोस्तों, ये जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन है इंडियन गवर्नमेंट के जो भी IT सेक्टर है, डिजिटल सेक्टर है, उन्होंने ये सर्टिफाई किए हैं कि इन सभी मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए स्पाइंग होती है, जासूसी होती है आपकी, हमारी और हमारे देश की। तो मैक्सिमम लोग इसको यूज़ करते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर के लोग हो, तो इससे हमारे देश को नुकसान हो रहा है। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, घर बैठ करके आप अपनी उंगलियों का कमाल दिखाइए ताकि आप सुरक्षित रह सके और हमारा देश सुरक्षित रहेगा, डेफिनेटली कोई डाउट नहीं इसमें।
ठीक है। तो जितने भी एप्लीकेशंस हैं चाइनीज एप्लीकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है, तो इन सभी को हमें रिमूव करना है इमीडिएटली। अगर अभी भी कोई एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है तो हमारी रिक्वेस्ट है तो आप उनको रिमूव कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जासूसी करते हैं ये, ठीक है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम ये वीडियोस आप अपने दोस्तों से फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चल सके जो 59 एप्लीकेशंस हैं कौन कौन से एप्लीकेशंस आपको अपने मोबाइल से रिमूव करनी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।